إلى عبده ما أوحى. سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے ادب و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جملہ سامعین ناظرین، بزرگ و دوستو، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت کے ساتھ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو سٹریمنگ کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے جو نئے لوگ اب تشریف لا رہے ہیں،
चूंकि ऊपर जगह तकरीबन नमाजियों से भर चुकी है, दरबार शरीफ की इंतज़ामिया ने नीचे पूरा इतिकाफ हाल भी, बल्कि पार्किंग भी, फिर पीछे लंगर खाना भी, बल्कि नीचे समा हाल भी खोला हुआ है। तो हजरात जहाँ सहूलत से पहुँच सकते हैं, ऊपर जगह की तंगी हो तो वहाँ भी तशरीफ ले जा सकते हैं। माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है, दूसरा अशरा जारी है, और जब हम अगले जुम्मतुल मुबारक को मिलेंगे इंशाअल्लाह तो दूसरा अशरा भी इख्तिताम पज़ीर होगा। वक्त एक ऐसी गाड़ी है जो कभी रुकती नहीं है, इंसान के मेरे और आपके पैदा होने से ये गाड़ी स्टार्ट हुई, इसका पहला और आखिरी स्टॉप मौत है। पहला स्टॉप भी है और दुनिया के लिहाज से आखिरी भी है। एक ट्रेन अगर जा रही हो लाहौर से कराची, और उसमें एक ऐसे कैदी को ले जाया जा रहा हो जिसे सजाए मौत हो चुकी है, और उसी गाड़ी में एक बारात जा रही हो, बारात में एक दूल्हा हो और वो बारात भी वहीं जा रही हो, गाड़ी भी एक है, मंजिल भी एक है, गाड़ी के चलते हुए दोनों तरफ नज़ारे भी एक जैसे ही हैं, वक्त भी एक जैसा ही लगेगा, लेकिन अगर आप उस सजाए मौत के कैदी से पूछें कि तुम्हारा ये सफर कैसा है, तो वो कहेगा कि मेरे लिए मेरी जिंदगी में इससे बदतरीन सफर कोई नहीं है, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सफर यही है, मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर यही है। लेकिन उसी गाड़ी में बैठे हुए अगर दूल्हे से पूछें कि तुम्हारा ये सफर कैसा है, तो वो कहेगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सफर है, इससे अच्छा सफर मेरी जिंदगी में पहले नहीं गुजरा है। गाड़ी एक है, मंजिल एक है, किराया एक है, वक्त एक जैसा लगेगा, लेकिन सजाए मौत के कैदी के लिए उससे बुरा सफर कोई नहीं, और बारात के साथ जाने वाले दूल्हा के लिए इससे अच्छा सफर कोई नहीं। इस मिसाल से क्या समझाना चाहता हूं, और समझाकर दावत फिक्र क्या देना चाहता हूं, रमजानुल मुबारक का यह महीना जो अल्लाह की बंदगी में खर्च और सर्फ कर रहे हैं, जो रोजा रखते हुए, कुरान पढ़ते हुए, तरावी पढ़ते हुए, सदका खैरात करते हुए, और तकवा की दौलत को हासिल करने की कोशिश करते हुए जो गुजार रहे हैं, वक्त उनका भी गुजर रहा है,
ये रात उनके लिए भी वही है, ये दिन उनके लिए भी वही है। और जो गफलत में गुजार रहे हैं, जो इस माह मुकद्दस को भी पिछले 11 महीनों की तरह उसी रूटीन में गुजार रहे हैं, ये वक्त उनका भी गुजर रहा है, ये रातें उन पर भी गुजर रही हैं, ये दिन उन पर भी गुजर रहे हैं। लेकिन ये नखेड़ा फिर उदा उसी जगह सब कुछ खुल सी। वइदा सुहफ़ नुशरत, जब सहीफे खोले जाएंगे तो पता उस वक्त चलेगा कि रमजान अल मुबारक के गुजरने वाले इस वक्त में फमिन हम शकीयुम व सईद, फरमाया उसमें मौत के कैदी जहन्नम को जाने वाले भी उसी गाड़ी में जा रहे हैं और जन्नत का परवाना हासिल करने वाले भी उसी गाड़ी में जा रहे हैं। ये मैंने छोटी सी बात सिर्फ इस बात को समझाने के लिए दी है कि ये वक्त गुजर रहा है, किसी 5-स्टार होटल के टेबल पे बैठ के 15 से 20 हजार रुपया बिल बना के जो खाना खाता है, पेट उसका भी उतना ही है, भूख उसके भी उतनी मरती है, और दाता के दीवानों में रोटी पे दाल रख के जो खा लेता है, पेट उसका भी भर जाता है, इसलिए बिलउमूम आपको और सब सुनने वालों को, बहनों बेटियों को, इस बात के जरिए सिर्फ इतनी तवज्जो दिलाना मकसूद है कि इस वक्त को, इस मौका को गनीमत जाने। आइए थोड़ा सा एक और तरीके से जरा समझाने की जसारत करता हूं। अगर हम में से, आप में से किसी को यह कहा जाए कि मई के महीने में अगर तुम फलां बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करोगे, 1 लाख रुपया अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें मैं लिखकर गारंटी देता हूं कि तुम्हें उसका 70 लाख प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल में अगर उसे प्रॉफिट की गारंटी दे दी जाए और उसे यह भी कहा जाए कि वो लाख भी सेफ रहेगा, जाया नहीं होगा, 70 गुना तुझे मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट की गारंटी दे दी जाए, तो मेरे ख्याल में अगर किसी के पास खुद से 1 लाख रुपया नहीं होगा तो वो किसी से पकड़ के भी कोशिश करेगा कि यार 1 लाख रुपए की कोई बात नहीं है, किसी से उधार लेके इन्वेस्ट कर देता हूं क्योंकि मुनाफा यकीनी है। अल्लाह अकबर। दुनिया में, दुनिया के मामलात में, कारोबार के लेन देन में, सियासत व अदालत की दुनिया में हर वादा करने वाला मुकर सकता है। अल्लाह फरमाता है इन अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। और उसके महबूब पाक, उनका तो लकब ही सादिक व अमीन है। इस मिसाल से समझिए,
परवरदिगार ने मुझ आपसे ये वादा किया है। नबी आखिर उस्समा अकायद ओ जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी और जमानत दी है कि रमजान अल मुबारक में एक नेकी करना तुहाडा काम है, एक नेकी लाना तुम्हारा काम है, उसका 70 गुना मुनाफा देना मेरा काम। मैं इस बात को नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस से मुदल्लल करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन या अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं, उन्होंने बाजार में कुछ लोगों को देखा कि ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। ये बीमारी आम है, कोई चीज लेनी देनी नहीं है, बुढ़िया एवं टुर पैंदी हैं, चलो जरा बाजारों चक्कर ला आवीए, जरा बाजारों हो आवीए, ना को लेना ना को देना। याद रखें नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया रूए जमीन पर सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है। अब सहाबी ने देखा कि कुछ लोग ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, उन्होंने कहा ओ मेरे साथियों मस्जिद में चलो, वहां नबी पाक अलैहिस्सलाम की मीरास तकसीम हो रही है। मस्जिद में चलो, वहां नबी पाक अलैहिस्सलाम की मीरास तकसीम हो रही है। उन्होंने जनाब ढेर न लाई, फौरी मस्जिद च आए, अगे आए तो हजूर अलैहिस्सलाम देख सहाबी बैठे तो नबी अलैहिस्सलाम का दीन सिखा रहे हैं। उन लोगों ने बुलाने वाले से पूछा भी तुम तो कह रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मीरास तकसीम हो रही है, उन्होंने कहा तुम्हें समझ नहीं आती, नबी की मीरास दिरहम और दीनार नहीं है, नबी की मीरास ये कुरान हदीस और दीन है जो यहां पे तुम्हें तकसीम किया गया। तो इसलिए सबको ये मौका गनीमत जानना चाहिए और 11 महीनों में की जाने वाली कोताहियां कमियां उनको दूर करने का, उस नुकसान को पूरा करने का, उस लॉस को प्रॉफिट में बदलने का, इससे अच्छा कोई मौका हमें नहीं हासिल हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीम है, हिकमत वाला है, उसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। बाज़ दफा वो अपने हुक्म की हिकमत को खुद बयान कर देता है, बाज़ दफा बयान नहीं करता, बयान न भी करे तो वो मबनी पर हिकम मबनी पर हिकमत होता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की जाए कि मौला करीम ग्यारह महीने 24 घंटे तेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, सुबह उठकर बेड टी से शुरू करें, ब्रेकफास्ट करें, फिर ब्रंच करें, फिर लंच करें, फिर हाई टी लें, समझ आ गई, उसके बाद फिर डिनर करें, फिर नाइट टी लें, सारा कुछ चरते खाते पीते रहें, कोई पाबंदी नहीं है, मौला रिज़्क तेरा है, हम बंदे तेरे हैं, आखिर एक महीना खाने पीने से रोका क्यों है? क्या माज़अल्लाह तेरे खजाने में को रमजान के महीने में कमी हो जाती है? मैं ना, इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन। फरमाया वहां इस कमी का तसव्वुर नहीं है,
तो मौला 11 महीने इजाजत दी है, एक महीना रोका क्यों है? पहुंचे पॉइंट पर, तवज्जो है। अल्लाह अकबर। जवाब यह मिलता है कि बंदे, बात यह है कि 11 महीने तुझे खाने पीने को दिया किसने? ग्यारह महीने तुझे नेमतें दी किसने? बोला तूने दी। मैं देने वाला कौन? मैं मौला तू। जवाब मिलता है बंदे, बात असल में यह है कि 11 महीने रज के खाद आई है, बगैर किसी रोक टोक के तूने खाया है, सुबह दोपहर शाम रात बगैर किसी वक्त की पाबंदी के खाया है, बस थोड़ा सा टेस्टर लगाना है, थोड़ा सा टेस्टर लगाना है कि 11 महीने खुली छुट्टी दीती, राज के खादा पीता, एक महीने फिर जरा मेरे कहने दे उत्ते थोड़ा कंट्रोल भी कर दे हो या कोई ना। फरमाए फिर मैं को पूरा महीना तो नहीं आख्या भाई, एक महीना तुझे खाना पीना ही कुछ नहीं, भाई मैं थोड़ा जा टाइम सहरी तो लैके इफ्तार तक थोड़ा जा है इन्ना सारा बस, कुछ ज्यादा नहीं। महमूद गजनवी एक दफा अपने साथियों के साथ, लश्कर के साथ बाजार से, बाग से गुजरा तो अयाज को उसने कहा कि जरा फल चेक कर, मिठा या कौड़ा। अयाज ने फल तोड़ा, एक बाइट लेकर कहा, जी वाह 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 क्या बात। एक फल बादशाह ने अपने हाथ से तोड़ा और उसे देकर कहा कि अयाज जरा ये चेक करो, ये मीठा है या कड़वा है। महमूद ने एक फल तोड़कर अयाज को दिया कि इसे चेक करके बताओ ये मीठा है या कड़वा है। अयाज ने चक कर बड़ी रगबत के साथ खाना शुरू कर दिया कि जिनको बहुत मीठा होवे। जब महमूद गजनवी ने देखा कि ये इतने शौक से खा रहा है, उसे लगा कि ये बहुत ज्यादा मीठा है, उसने कहा जरा मैंने भी तो चेक करा। जब महमूद ने वो फल अयाज के हाथ से लेकर चखा तो सख्त कड़वा था। महमूद ने पूछा, अयाज तू तो ऐसे खा रहा था कि जैसे बाग का सबसे मीठा फल यही है, इतने शौक से इतनी रगबत से तू खा रहा था, ये तो कड़वा है, तू इतने शौक से क्यों खा रहा था? हाय, अयाज ने कहा, हुजूर बात ये है, आपके हाथों से मीठी चीजें इतनी खाई हैं, इतनी नेमतें खाई हैं, अगर आपके हाथ से एक कड़वा भी मिल गया है तो क्या बात है, दिया तो आपने ही है ना। मैं इसके मीठे या कड़वे होने को नहीं देख रहा, मैं तो यह देख रहा हूं यह मुझे मिला किस हाथ से है, यह मुझे दिया किसने है, यह मेरे मोहसिन ने मुझे दिया है, यह मेरे मालिक ने मुझे दिया है। ओए बंदा, 11 महीने कोई पाबंदी नहीं है, अगर थोड़े टाइम के लिए रब ने पाबंदी लगाई है, वो देखना चाहता है कि तुम रब की मानते हो या अपने आप की मानते हो। इस पर एक दलील, ये मसला उलमा ने बयान फरमाया कि अगर रमजानुल मुबारक का एक रोजा जान बूझ कर छोड़ दिया जाए बगैर शरी उजर के, एक रोजा अगर जान बूझ कर छोड़ दिया जाए
तो बाद में जाहिर है उसकी कजा तो करनी है उसने, वो फर्ज तो उसके जिम्मे से कजा के बाद साकित हो जाएगा, लेकिन जो सवाब उसको, जो अजर, जो रब की रजा रमजान मुबारक का रोजा रखने से हासिल होनी थी, अब उसके बदले में अगर सारी जिंदगी रोजे रखता रहे वो रहमत वो बरकत नहीं हासिल कर सकता जो रमजान के रोजे से हासिल होता है। बोले इस फर्क की वजह क्या है, इस फर्क की वजह क्या है, जब कजा की तो भी उतना ही टाइम भूखे प्यासे रहे, बंदा भी वही, रब भी वही, हुक्म भी वही, सिर्फ कजा और अदा का फर्क है। मौला करीम मुशक्कत तो एक जैसी है लेकिन इसमें फर्क की वजह क्या है, फरमाया तुम क्या समझते हो कि हमें को भूखा प्यासा या खिलाने से गरज है, हम तो सिर्फ ये देखना चाहते थे, हम ये देखना चाहते थे कि जब हमने कहा कि अब रोजे रखो, हमारे कहने पर उस वक्त किसने रखे हैं, हमने तो ये चेक करना था खान पीन तो चलता ही रहता। ये चंद बातें मैंने इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए अर्ज की हैं। आज हम बड़ी आसानी के साथ रोजा छोड़ देते हैं और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मुआशरे में रोजा छोड़ने का रिवाज आम हो रहा है, गली मोहल्लों बाजारों में खाने पीने पानी के हिसाब से लोग बादर नहीं करते, सिगरेट पीने से रोजा नहीं रखा हुआ यह भी जुर्म है, रोजा नहीं रखा यह भी जुर्म है, लेकिन रोजा ना रख के इस महीने की बेहुर्मती करना, इस महीने के तकद्दस को पामाल करना, यह उससे बड़ा जुर्म है। इसलिए कि रोजा तो राज है बंदे और रब के दरमियान में, किसी को देखकर क्या पता चलेगा कि यह वाकई रोजे से है या नहीं है, लेकिन जब बेहुर्मती करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे रोजे ना रखने पे तो वो तेरा और रब का मामला है, हम उसमें फैसला नहीं करते, लेकिन जब तू गली महल्लों दीवारों लोगों को गवाह बनाकर इस माह मुकद्दस की बेहुर्मती करेगा फिर अल्लाह के अजाब से तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें तेरी नाफरमानी पे गवाह बन जाएंगी। इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि रोजे रखें, और अगर किसी वजह से नहीं रख पा रहे हैं तो रमजान मुबारक की बेहुर्मती करे से बचें, खास तौर पे वो लोग जिनका खाने पीने का काम है, जाहिर है उन्होंने अपनी रोटी रोजी का निज़ाम भी करना है, लेकिन अगर एक महीने के लिए वो अपने औकात को बदल लेंगे, रमजान मुबारक उसूली तौर पर तो ये काम हुकूमत वक्त का है, ये बात याद रहे। इस रमजान मुबारक की हुर्मत को लागू करना, नाफिज करना, उस पर अमल दरामद करना यह हुकूमत वक्त का काम है, लेकिन उन्हें इन कामों के लिए इनके पास वक्त कहां से आया, उन्होंने की लगे, लेकिन इस तरफ तवज्जो दिलाना, इस पर आवाज बुलंद करना यह मेरा उलमा का, हम सब का काम है। इसलिए यह मेरा यह फर्ज है कि आपकी इस तरफ मैं तवज्जो दिलाऊं, गली मोहल्लों में अगर कोई शख्स है उसे प्यार से मोहब्बत के साथ उसे समझाएं कि यार मेहरबानी को रमजान शरीफ का ख्याल कर लें, ठीक है। और हम तो काफ़ी अरसा ये देखते रहे, अब तो खैर सफ़र पे रमज़ान में कहीं जाना नहीं होता है, लारी अड्डों पे, स्टेशनों पे, कहीं भी ज़ाहिर है मुसाफिरों को इजाज़त होती है रोज़ा छोड़ने की, तो वहाँ पर भी वो कनातें लगा के उसके एहतराम का लिहाज रखते हुए फिर कम अज़ कम मुसाफिरों को ऐसी प्लेसेस पे वो कुछ ना कुछ अलाउ करते थे, लेकिन अब तो गली मोहल्लों में होटल खुले हुए हैं तो पैर शाम पानी कोल्ड ड्रिंक्स बिक रही हैं, खड़े होकर पी रहे हैं। इसलिए खुदारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब को दावत देने वाले काम मत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौला करीम ये भूखा प्यासा रखने का जो तेरा हुक्म है
माया मकसद क्या है? कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। बहुत बड़ी बात थोड़े वक्त में। मौला तकवा एक रूहानी चीज है, तकवा एक रूहानी और बातनी चीज है, रोजा एक जाहिरी चीज है, खाने पीने नफसानी ख्वाहिश से रोक लेना। अमल जाहिर का है, जाहिर आजा का अमल है, लेकिन उससे फायदा रूहानी मिलेगा, बातनी मिलेगा। मैं वो कैसे? फरमाया बजाहिर तुम्हें यह लगता है कि रोजे के जरिए तुम्हें खाने पीने से रोका जा रहा है, तुम्हें यह लगता है कि रोजे के जरिए तुम्हें खाने पीने से रोका जा रहा है, लेकिन इस खाने पीने से रोकने के अंदर जरा ये गौर करो, तुम्हें प्रैक्टिस किस चीज की करवाई जा रही है? अच्छा मौला किस चीज की प्रैक्टिस कराई जा रही है? फरमाया जरा तवज्जो करो, तुमने सुबह के वक्त सहरी करके नियत कर ली कि आज मेरा रोजा है, इसका मतलब यह हुआ कि आज मैं कुछ खाने पीने का अमल नहीं करूंगा और अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा नहीं करूंगा, मैं आज अपने आप को इससे रोक के रखूंगा। क्या मतलब? मेरे अंदर जब खाने की ख्वाहिश पैदा होगी तो मैं उसे कंट्रोल करूंगा। जुमला समझ आया? जब मेरा खाने का दिल करेगा कि मैं कुछ खा लूं, मेरा दिल करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन मैं अपनी उस ख्वाहिश को कंट्रोल करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे प्यास लगी होगी, मेरा मुंह खुश्क होगा, मेरा दिल कर रहा होगा मैं पी लूं, लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगा, कोई पीने वाली चीज नहीं लूंगा। मेरा दिल कर रहा होगा, मेरे अंदर ख्वाहिश आरजू विश तमन्ना होगी कि मैं कुछ पी लूं, लेकिन मैं अपनी इस पीने वाली ख्वाहिश को कंट्रोल करूंगा। बज़ाहिर तू खाने पीने से रुक रहा है, फिर सोच जरा, घर भी तेरा है, खाने पीने की चीजें भी तेरी हैं, किचन भी तेरा है, तेरे अलावा घर में कोई है भी नहीं, फ्रिज भरा हुआ है सारी चीजों से, तुझे भूख प्यास लगी है, तू किचन में जाता है, तेरा दिल करता है कि यार बाप दो कोट भर लिए, कोई तुझे रोकने टोकने वाला देखने वाला नहीं है, लेकिन तू कुछ खाता पीता नहीं है। बंदे जरा ये बता आज, बस इसका जवाब दे दे कि घर भी तेरा, चीजें भी तेरी, तुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है, तुझे कोई टोकने वाला भी नहीं है, तुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। बंदे उस तन्हाई में जब तेरे सिवा रब के सिवा कोई नहीं है, तू खाता पीता क्यों नहीं है? घर जो बंदा खा पी के बाहर निकला, वे किसने क्या पता हुआ इधर रोजा है? ये तो राज है बंदे और रब के दरमियान। क्यों नहीं खाता पीता है? वो कहता जी असल ना जदा सवेरे सारी कीती था, नियत कीती वो आज मेरा रोजा। अच्छा तो फिर तुझे देखने सुनने वाला तो कोई नहीं, क्यों? कहता और कोई देखे ना देखे, और कोई देखे ना देखे, जिसके लिए रोजा रखा है वो तो देख रहा है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, मतलब वो तो देख रहा है ना जिसके लिए रोजा रखा है। फरमाया बज़ाहिर तुझे ये खाने पीने से रोकना लगता है, लेकिन अल्लाह तुम्हें हकीकतन इस तसव्वुर की, इस ईमान की, इस यकीन की तुझे प्रैक्टिस करवा रहा है कि घर की तन्हाई में तेरा दिल कर रहा है कि तू खा पी ले, लेकिन तू नहीं खाता कि रब तुझे देख रहा है। ओ बंदे ओ बंदे, जिस रब का देखना तुझे रोजे में याद है, जिस रब की हया, जिस रब का डर, जिस रब का खौफ तुझे उस तन्हाई में रोजे की हालत में है, बाकी 11 महीने फिर खुदा किथे टुर वेंदा? बाकी 11 महीने बाकी कामों में जब यहां तुझे ये याद है कि रब देख रहा है
और कोई ना देखे, रब तो देख रहा है। बंदे यही प्रैक्टिस तेरे अंदर करवानी है कि अब तू इस प्रैक्टिस को, इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ रोजे तक ना रहने दे, खाने पीने तक ना रहने दे। और जुमला एक अर्ज कर रहा हूं, अगर आपकी समझ में आ जाए, ऐलान ये होता है, बंदे मेरे कहने से तूने हलाल छोड़ दिया है, कोई नहीं समझे, मेरे कहने से हलाल छोड़ दिया तूने, खाना पीना हलाल है ना, बीवी हलाल है, फरमाया मेरे कहने से, रोजे की वजह से तूने हलाल छोड़ दिया है, वो बंदे मेरे कहने से हराम क्यों नहीं छोड़ता। जौक इजाजत दे तो दोहरा दो ताकि समझ आ जाए। रोजा ये प्रैक्टिस करवाता है, ये मश्क करवाता है, एक महीना इसकी ट्रेनिंग करवाता है कि बंदे मेरे कहने से, रोजे की वजह से खाना पीना जो हलाल है उसे तूने छोड़ दिया है, तो जिन चीजों को मैंने हराम किया है मेरे कहने से वो क्यों नहीं छोड़ता है, सूद क्यों नहीं छोड़ता, शराब क्यों नहीं छोड़ता, झूठ क्यों नहीं छोड़ता, करप्शन क्यों नहीं छोड़ता, रिश्वत क्यों नहीं छोड़ता, बदकारी क्यों नहीं छोड़ता, जुल्म क्यों नहीं छोड़ता, और मेरे कहने से हलाल छोड़ा हुआ है, मेरे कहने पे हराम क्यों नहीं छोड़ रहा है। जब ये प्रैक्टिस कर ली जाएगी ना, इस प्रैक्टिस के करने का नाम ही तकवा है, परहेजगारी है, बचना है। क्या मतलब कि इसके जरिए से फिर बंदा बाकी गुनाहों से बच जाता है, फिर उसे ट्रेनिंग हो जाती है कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कैसे करना है, अपने काबू में कैसे करना है, मैंने उन नफसानी ख्वाहिशात को लगाम कैसे देनी है। और फिर जब इसमें वो कामिल होता है तो फिर यही विलायत है, यही रूहानियत है, यही रब की रजा है, यही तकवा है, यही नफ्से मुतमाइन्ना है, यही नफ्से राधिया है, यही नफ्से मर्दिया है, और यही अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा का सबब है, और दोनों जहानों में इज्जत और कामयाबी की जमानत। इसलिए रोजे को सिर्फ खाने पीने तक न रखें, सिर्फ इस महीने को आदत के तौर पे न गुजारें, सिर्फ इस महीने को अपनी रूटीन में खाने पीने और बाकी चीज़ों के बहाने के तौर पे न गुजारें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मकसद के लिए ये हमें अता फरमाया है उस सिफत को, उस चीज़ को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह का ऐलान है, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया मेरे हाँ इज्जत न कोठियों से है, न कारों से है, न बंगलों से है, न मनासिब से है, न जुब्बों से है, न बाकी किसी चीज़ से है, मेरे पास तो इज्जत सिर्फ तकवा इख्तियार करने वाला। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाता है मेरी संगत भी मुत्तकीन के साथ है, मेरी मोहब्बत भी मुत्तकीन के साथ है। रोज़ा एक ऐसा अमल है कि जो थोड़े से वक्त में, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ, थोड़ी सी तवज्जो के साथ इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी नेमत तकवा की हमें अता फरमा सकता है। हमें रोज़ों को इस तरफ, इस जिहत से रखने की, समझने की, अमल करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।